नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत चंदवार चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, गरीबों को नहीं मिल रहा पीएम आवास का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार 2022 तक हर सिर पर छत का दावा कर रही है, लेकिन 6 साल सर्वे में ही बीत गए। मकान नहीं बनने के कारण गरीबों को जर्जर हुए मकानों में ही दिन काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। चंदवार ग्राम में लगभग 20 से 30 परिवार ऐसे हैं जो जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। उपसरपंच रज्जूपाल, अजय द्विवेदी, राजेश सेन, गोविंदा चौधरी ग्रामीणों ने बताया कि हम कई बार आवास के लिए सचिव से बात की, लेकिन सचिव द्वारा सुनने को तैयार नहीं किया। अजय द्विवेदी, राजेश चौधरी द्वारा बताया गया कि मेरा नाम 2021 की प्राथमिक सूची में शामिल होने के कारण भी काट दिया गया है, क्योंकि मुझे सरपंच महोदय कुछ देने के लिए कुछ भी राशि नहीं थी। तथा राजेश सेन के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरा प्राथमिक सूची में था, पर अभी तक नहीं दिया जा रहा है। कोई भी घर जाकर देखे तो जरा सी बरसात से ही जान जा सकती है। हालांकि ग्राम चंदवार में अपना आशियाना बनाने का इंतजार ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मकान की हालत कुछ इस प्रकार है कि जरा सी बरसात होती है उनकी जान पर बन जाती है, क्योंकि मकानों का लेवल नीचा होने से मकान में बरसात का पानी घुस जाता है। इसके अलावा दीवारें भी कमजोर हो चुकी हैं, जो कि कभी भी गिर सकते हैं। राजश्री मिश्रा की रिपोर्ट। ये हमारे ग्राम पंचायत चंदवार के उप सरपंच है, बताइए क्या समस्या, आपको क्या कहना है आपका? अरे हमारी समस्या तो बहुत बड़ी है, हम आज जितने वर्ष से जुड़े हुए हैं, कोई कार्य का समाधान हम नहीं समझ पाते हैं कि पंचायत में होता है कि घर में होता है जी। और कोई बात पूछने पर हमें टाल दिया जाता है जी। लेकिन आप तो गांव के उप सरपंच कहला गए, तो इसीलिए तो हम जहाँ सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो पहुँचे तो कुछ तो जाने जी। जी क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या जो भी कार्य लेके आते हैं चंदवार में, कोई मतलब पंचायत भवन में जो भी जानकारी लेना हो कि हमारा जैसे पीएम आवास है कि और कोई योजना है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजना देता है, बट यहाँ जो पंचायत भवन में है कभी ना तो खुलती है। जब वैक्सीन लगी, 2-3 दिन वैक्सीन लगी है तभी पंचायत भवन खुली है, अन्यथा पूरा जो भी कार्य होता है तो सरपंच साहब के, माननीय सरपंच हरिप्रसाद द्विवेदी जी के घर में होता है, और रोजगार सहायक और माननीय दिनेश जी हमारे रोजगार सहायक हैं, संतोष महोबिया जी सेक्रेटरी हैं, जो वो घर में बैठ के सरपंच के घर में बैठ के कार्य करते हैं। क्या प्रस्ताव डलता है और क्या नहीं डलता, क्या होना, किसका नाम काटना है, पीएम आवास को जो 2011 की सूची थी उससे नाम काटा गया, कितने लोगों को जो कि लाभदायक इंसान थे जी। उनका भी नाम काट के किसी से 5,000 किसी से 10,000 की डिमांड करके उनको पीएम आवास दिया गया। आज भी हमारे पास जो ऐसे हैं बंधु ये खड़े हैं यहाँ से प्रस्ताव लिए जी, ये भी है गोविंदा चौधरी का। हाँ, क्या है? गोविंदा चौधरी बोल रहे हैं, हम पीएम आवास के लिए आज 6 महीने से लटकाए हुए हैं कि बेटा काज आज नहीं कल, कल नहीं आज, और 6-6 महीने में सूची बदलती है, यहाँ पैसों ले लेके काम करते हैं, और अन्यथा बीच में काम हम लोगों जैसे गरीबों को नहीं की जाती है, और इसका जल्द से जल्द निराकरण हो और जल्द से जल्द जाँच हो। और आपका क्या कहना है? मेरी समस्या ये है कि मैं आज एक हफ्ते से संतोष मोदी जी से बात कर रहा हूँ, जन सूचना के तहत के अधिकार में आपसे ब्यौरा लेना चाहता हूँ 5 साल के लिए, तो कहीं कहते हैं कि ये पीसीओ साहब मेरे साथ है नहीं, तो किस सचिव से आप ब्यौरा लेना चाहते हैं? संतोष मोदी सर, संतोष मोदी अभी जो सेक्रेटरी पद पर है जी। जी जी, तो वो कहीं मीटिंग मानपुर चले जाते हैं, आज आए थे तो 1 मिनट रुके गेट पे फिर भाग गए, मतलब वहाँ चले गए झाल कि पीसीओ यहाँ है वहाँ है, दंड फंड सुनाते जी। तो आप कितने दिनों से परेशान हैं इस समस्या से? 1 हफ्ते जी। जी जी, हाँ मैं चंदवार का निवास हूँ, ग्राम पंचायत चंदवार का निवास हूँ, मेरा यही घर है और मैं राशन कार्ड धारी हूँ, और सर मेरे लिए पीएम आवास नहीं मिला है और मेरा घर गिर रहा है, बरसात में गिर जाएगा, और यही सब बच्चे और परिवार के सहित हम खड़े हैं, और ये बरसात में दलदल के कारण हमारा मकान गिर रहा है और हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो जो हमसे बड़े बड़े आदमी हैं उनको घर और मकान दिया जाता है, और जो और से बड़े बड़े नौकरी चाकरी वाले हैं उनको पीएम आवास रुपए के कारण उनको दिया जाता है, हम लोगों जैसे गरीबों को नहीं दिया जाता है, और पैसा ले लेकर काम करते हैं, और मेरे से मांग रहे हैं सर 5,000 रुपए लाओ तो मैं तुमको मकान दूं, तो मेरे पास तो नहीं है पैसा, तो मैं क्या दे पाऊंगा उनको पैसे, मेरे घर छवाने का पैसा नहीं है, और
मैं इसी तिरपाल और फट्ठे लगा के और अपना गुजारा करता हूँ बच्चों के साथ। और मुझे सरपंच का नाम, हमारे गांव के नाम सरपंच महोदय जी हरि प्रसाद द्विवेदी जी, दिनेश कुमार तिवारी जी रोजगार सहायक, और संतोष मोहबिया ये सचिव हैं हमारे हमारे पंचायत के सबसे बड़े सेक्रेटरी साहब। ग्राम पंचायत पछताव ग्राम पंचायत चंदवार में मैं 2-4-6 मरतबे पछताव दिया, इसका मुझे कोई निराकरण नहीं मिल रहा है और मुझे दांत फूंक के भगा दिया जा रहा है। और बोलते हैं कि तुम 5,000 रुपए लाओ तो तुम्हारा काम होगा, अन्यथा बीच में नहीं होगा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।